हेलो एंड वेलकम टू वचन मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती और आप सबको मैं स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट पर। दोस्तों, आप सब ने एल्बा के बारे में तो सुना ही होगा। एल्बा एक सेको ग्रुप का कंपनी है और उसमें सेको जैसा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। इस पे सेको का काफी सारे फीचर्स देखने को मिलता है, वही क्वालिटी पर इसमें थोड़ा बहुत आपको एंट्री लेवल प्राइस में मिल जाता है। और आज मैं रिव्यू करूंगा वही सेको एल्बा का मैन्युफैक्चर किया गया एक क्रोनोग्राफ वॉच। सिर्फ क्रोनोग्राफ बोल के इस वॉच को डिस्क्राइब करना मुश्किल है क्योंकि ये रेगुलर क्रोनोग्राफ नहीं है, दिस इज अ मेका क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ। पहले आप वॉच को एक बार देख लीजिए, ये है एल्बा का मेका क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ वॉच। आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द फर्स्ट लुक ऑफ द वॉच। मेका क्वार्ट्ज मूवमेंट में होता क्या है दोस्तों, इस पे डेफिनेटली एक क्वार्ट्ज मॉड्यूल है। इसका जो कैलिबर नंबर है दैट इज VK64 और इसका मेन टाइम कीपिंग का पावर आता है क्वार्ट्ज मॉड्यूल से, इस पे कोई दो राय नहीं है। पर इसका क्रोनोग्राफ हैंड जो है, क्रोनोग्राफ सेकंड हैंड में आपको स्वाइपिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। आप लोगों को मैं साइड बाय साइड एक रेगुलर क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ और एक मेका क्वार्ट्ज का सेकंड हैंड का मूवमेंट का डिफरेंस मैं दिखाता हूं। देखिए, ये टाइमेक्स का ई सीरीज का वॉच है और इसका पुशर है, प्रेस करके मैं ये क्रोनोग्राफ सेकंड हैंड चालू करता हूं और सेम मैं एल्बा के साथ भी करता हूं। तो आप देखिए दोनों वॉच का सेकंड हैंड का मूवमेंट देखिए। ये देखिए, ये जंपिंग मूवमेंट है जो रेगुलर क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ में आपको देखने को मिलेगा और ये देखिए मेका क्वार्ट्ज वॉच का सेकंड हैंड का स्वीपिंग मूवमेंट। प्राइमरी टाइम कीपिंग क्वार्ट्ज से होता है तो आपको टाइम कीपिंग में एक्यूरेसी क्वार्ट्ज वॉच जैसा मिलने वाला है, आपको मैकेनिकल वॉच जैसा विजुअल्स भी मिल रहा है साथ साथ क्वार्ट्ज वॉच का एक्यूरेसी। तो दिस इज बेसिकली अ बेस्ट पैकेज वन कैन एक्सपेक्ट। VK64 सेको द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एक मॉड्यूल है जो आपको 20 से 25 साल का एवरेज सर्विस लाइफ देने वाला है। इस पे जो जापानीज बैटरी फिटेड है ये इस वॉच को 3 साल तक पावर कर सकता है। आने वाले 20 साल में आपको बस कुछ एक बार बैटरी ही चेंज करना है, ना तो इस वॉच को सर्विसिंग कराना है, ना तो आपको मैनुअली वाइंड करना है, ये वॉच चलता रहेगा विदाउट एनी केयर। इसीलिए मेका क्वार्ट्ज वॉच आजकल स्टाइल में इन है और वॉच एंथुजियास्ट काफी ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, मैं एक फेसबुक में ग्रुप भी चलाता हूं वॉच एंड मोर इंडिया फैमिली मेंबर के नाम से। वहां पे लगभग 1000 मेंबर्स ऑलरेडी है और पिछले कुछ हफ्ते से मैं वहां पे मेरा कुछ जो रिव्यू वॉचेस है जो मैं अपने पैसे से खरीद कर रिव्यू करता हूं और हार्डली यूज होता है 2 से 3 बार टेस्टिंग के लिए, उसके बाद तो वॉच मेरा बॉक्स में ही पड़ा रहता है। तो आई हैव एंडेड अप एक्युमुलेटिंग मोर देन 80 वॉचेस एंड मैं डिसाइड किया कि इनमें से कुछ कुछ वॉचेस मैं धीरे धीरे सेल करता रहूंगा क्योंकि अदरवाइज ये चैनल में सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बैक टू बैक वॉचेस खरीदते जाना एक पैसा का तो बात है ही है और ऊपर से उस वॉच को स्टोर करना इज बिकमिंग अ बिग हेडेक। तो आई विल स्टार्ट सेलिंग एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। यूजुअली हर फ्राइडे वॉच एंड मोर इंडिया फैमिली मेंबर फेसबुक ग्रुप पर सेल पोस्ट अलाउड होता है और उस पर ठीक 12 बजे मेरा पोस्ट भी आता है। तो अगर आपने अभी तक ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन। भले ही इस वॉच का अनबॉक्सिंग हो गई हो पर फिर भी मैं आपको एक वर्चुअल अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देना चाहता हूं, तो इसीलिए इस वॉच को मैं फिर से बॉक्स में रख के आपको दिखाना चाहूंगा कि बॉक्स कैसा है। देखिए, बाहर जो व्हाइट कलर का बॉक्स है इस पे इसका सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो ये A4B सीरीज से है, इस पर्टिकुलर मॉडल नंबर है 3X1 जो कि येलो एंड ब्लैक कलर में है। इसका MRP है 10,500 और ये सेको हांगकांग लिमिटेड में मैन्युफैक्चर किया गया है कंप्लीटली और हांगकांग क्योंकि आज चाइना का पार्ट माना जाता है तो दिस इज कमिंग विद अ टैग ऑफ कंट्री ऑफ ऑरिजिन चाइना। आप क्लियरली देख सकते हो दैट दिस इज January 2024 मैन्युफैक्चर्ड वॉच, ये यही साल है जो रिलीज हुई है ये वॉच और इस पे बाकी जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है। ये व्हाइट बॉक्स को हटाने के बाद यहाँ पे आपको एक लेदर फिनिश जैसा एल्बा का अनदर पेपर बॉक्स में वॉच आता है और मैं अनबॉक्स करने से पहले एक प्रोटेक्टिव ये स्पॉन्ज जैसा कवर है उसको हटाने के बाद आपको वॉच का पहला झलक मिलता है। देखिए यहाँ पे
एक बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट पिलो में वॉच आया है और वॉच के साथ साथ क्या क्या आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे दो टैग आया है, पहला टैग जो है इस पे एक साइड में अल्बा का ब्रांडिंग और दूसरे साइड में इसका इंडियन एमआरपी लिखा गया है विद मॉडल नंबर, और इस पे क्लियरली मेंशनड है कि दिस इज VK64 कैलिबर के साथ आया है जो कि सेको मैन्युफैक्चर्ड है। यही है एक ट्रेडिशनल वॉचमेकर का गुड प्रैक्टिस कि इनके पास छुपाने को कुछ भी नहीं रहता है, दे आर ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयरिंग कि इस पे कैलिबर कौन सा लगा हुआ है। सेकंड टैग में भी बारकोड ही है पर इस पे इंडियन रुपीज में एमआरपी वगैरह नहीं है, इस पे वाटर रेजिस्ट है ये मेंशन किया गया है। के अंदर एक बुकलेट दिया गया है जो कि गारंटी बुकलेट है, इस पे इस कैलिबर का यूजर मैनुअल तो है ही, इसके साथ साथ इस पे एक वारंटी कार्ड भी दिया गया है एंड दिस इज अ कंप्लीटली कस्टमाइज्ड वारंटी कार्ड। एज यू कैन सी इस पे कैलिबर नंबर लिखा गया है, इस पे इस वॉच का सीरियल नंबर लिखा गया है, यही सीरियल नंबर आपको वॉच का केस बैक में भी देखने को मिलेगा। डेट ऑफ परचेज 27th of May, तो इस पे आपको एक साल का वारंटी मिलने वाला है और मैंने ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से खरीदा तो इसका भी स्टैंप है। तो दिस इज नॉट अ जेनेरिक वारंटी कार्ड, दिस इज अ कस्टमाइज्ड एंड हैंड रिटन वारंटी कार्ड जो कि आपको अगर वॉच का सर्विसिंग कराना पड़े कभी विद इन वन ईयर जो वारंटी क्लेम करना पड़े तो काम आएगा। आफ्टर अनबॉक्सिंग हम लोग पहले वॉच का एक ओवरऑल लुक देख लेते हैं। देख सकते हो आप ब्यूटीफुल येलो कलर का सनबर्स्ट इफेक्ट वाले डायल है और इस पे दो सब डायल दिया गया है ब्लैक कलर में। क्या फंक्शन है हम लोग डेफिनेटली जानने वाले हैं और इस पे ओवरऑल आप लुक एंड क्वालिटी देख ही सकते हो। इसका जो ब्रेसलेट आया है ये ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट है, स्टेनलेस स्टील का ही है और इस पे आपको साइंड क्लास भी देखने को मिल जाता है। मैं प्लास्टिक वगैरह नहीं हटाया क्योंकि ये वॉच मुझे मेरे कलेक्शन में रखना नहीं है। आई विल बी सेलिंग दिस वॉच थ्रू द फेसबुक ग्रुप, तो अगर आप लोग इस वॉच डिस्काउंटेड प्राइस में कोई इंटरेस्टेड हो लेने में तो डेफिनेटली नेक्स्ट फ्राइडे फेसबुक ग्रुप में नजर डालिए, आपको इसका सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कैसे आप खरीद सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों डायल में ब्यूटीफुल सनबर्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है जो इस डायल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं और इस पे 12 o'clock पोजीशन में अल्बा का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रहा है और 6 o'clock पोजीशन में आपको डेट विंडो देखने को मिल रहा है जो एक ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का बॉर्डर के साथ आया है और उसके बस ऊपर में क्रोनोग्राफ और ये 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस यानी कि 10 बार वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है ये क्लियरली मेंशनड है। और बिटवीन 7 o'clock पोजीशन एंड 8 o'clock पोजीशन ये जापानीज मूवमेंट से बना है ये मेंशनड है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड तक वीडियो देखने के बाद वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक थम्स अप देने से इस वीडियो का रीच बढ़ता है, चैनल ग्रो कर पाता है और इससे थोड़ा बहुत इनकम मिलेगा जिससे मैं नया वॉच खरीद के नया कंटेंट ला पाऊंगा दोस्तों। तो आपसे मैं एक ही सपोर्ट मांगता हूं कि वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब किए नहीं है अभी तक तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आवर इंडाइसेस इज वेरी ब्यूटीफुली फिनिश्ड, मैंने रिसेंट में जितने भी वॉचेस का रिव्यू किया इतना ब्यूटीफुल इंडाइसेस अप्लाइड टाइप मुझे कम देखने को मिला है। लुक एट द लूम डॉट जो इंडाइसेस के बस पीछे दिया गया है, लुक एट द फिनिशिंग, ल्यूमिनस इंक जो है बिल्कुल ब्लैक कलर का बॉर्डर के अंदर है एंड दिस इज कॉल्ड सेको क्वालिटी कंट्रोल। डायल में कहीं पे भी एक बूंद धूल मिट्टी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप एक बार अटेंशन टू डिटेल देखिए, ये जो डेट विंडो के अंडर जो डेट का प्लेसमेंट है देखिए कितना परफेक्टली अलाइंड है, एकदम सेंटर ऑफ द विंडो में आपको डेट देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड सेको प्रेसिशन। 3 o'clock पोजीशन में जो सब डायल है ये 24 आवर का सब डायल है और 9 o'clock पोजीशन में जो सब डायल है ये है क्रोनोग्राफ के लिए डेडिकेटेड, इस पे 1 आवर तक क्रोनोग्राफ टाइम कीपिंग होती है। ये 1 आवर क्रोनोग्राफ सब डायल में देख सकते हो 40 minutes to 50 minutes ये एम्बर कलर में है और फिर 50 minutes to 60 minutes ये ग्रे कलर में दिया गया है। इस पे जो आवर एंड मिनट हैंड दिया गया है दैट कम्स विद लुमिनोसिटी और पॉइंटेड एंड के साथ आता है, बाकी इस पे आपको शाइनी फिनिश देखने को मिलता है। इस पे जो सेंटर में जो सेकंड हैंड आप देख रहे हो ये है क्रोनोग्राफ सेकंड हैंड, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा है। एक्चुअली इस वॉच में नॉर्मल टाइम कीपिंग वाला सेकंड हैंड है ही नहीं, VK64 कैलिबर का यही फीचर है। मिनट हैंड जो है ये मिनट मार्किंग को बड़े आसानी से टच कर लेते हैं और मिनट मार्किंग जो है ये प्रिंटेड टाइप है ब्लैक कलर में एंड दैट क्रिएट्स एन एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट। इस वॉच में जो इनर बेजल आप देख रहे हो दैट इज फिटेड विथ टैकीमीटर और टैकीमीटर आप यूज करते हो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करने के लिए। केस पे जो एक्सटर्नल बेजल है दैट इज अ फिक्स्ड बेजल और इस पे आपको हाई ग्लॉस पॉलिश देखने को मिलता है। केस का टॉप प्रोफाइल आता है सर्कुलर पॉलिश के साथ और इसका जो साइड प्रोफाइल है साइड प्रोफाइल में भी आपको हाई ग्लॉस पॉलिश ही देखने को मिलता है दोनों साइड में।
3 o'clock साइड में आपको एक बड़ा सा क्राउन देखने को मिलता है विद वेरी रीजनेबल ग्रिप, आपको ग्रिप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। और 2 o'clock पोजीशन में पुशर ए एंड देन 4 o'clock पोजीशन में पुशर बी, ये दोनों पुशर और क्राउन आता है सर्कुलर ब्रशिंग के साथ। क्राउन नॉर्मल प्रेस डाउन टाइप ही है और पुल आउट पोजीशन 1 में ले जाओगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो डेट चेंज होगा, और इसको पुल आउट पोजीशन 2 में ले जाओगे और फिर इसको अगर टाइम एडजस्ट करोगे तो आप इससे टाइम एडजस्ट ही कर पाओगे, फिर आप इसको प्रेस डाउन कर दो। जो पुशर ए है इन द 2 o'clock पोजीशन, ये यूज होता है क्रोनोग्राफ सेकेंड हैंड को चालू करने के लिए, यानी कि ये वाला सेकेंड हैंड को चालू करने के लिए। तो मैं क्रोनोग्राफ सेकेंड हैंड चालू करता हूं बाय प्रेसिंग दिस पुशर। आप देख सकते हो जो सेकेंड हैंड है इसका ब्यूटीफुल स्वाइपिंग मूवमेंट, जैसा कि ये मैकेनिकल वॉच है, इसीलिए इसको मेगा क्वार्ट्ज वॉच बोला जाता है। फिर से अगर आप पुशर ए को प्रेस करोगे तो ये क्रोनोग्राफ हैंड रुक जाएगा, फिर से इसको प्रेस करो तो क्रोनोग्राफ हैंड चल पड़ेगा, फिर से प्रेस करने से क्रोनोग्राफ हैंड रुक गया। और अगर आपको क्रोनोग्राफ हैंड को रीसेट करना है तो आपको पुशर बी प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैं पुशर बी प्रेस किया क्रोनोग्राफ हैंड रिसेट हो गया, और जो भी टाइम क्रोनोग्राफ सेकेंड हैंड से मेजर होगा इसका मिनट में ये सब डायल आपको टाइम दिखाने वाला है। इस वॉच में सेको का हार्डलेक्स क्रिस्टल यूज किया गया है और इस पे रीजनेबल रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, आप देख ही सकते हो ये लाइट का रिफ्लेक्शन बड़ा आसानी से हैंडल कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैप, स्ट्रैप कम्स विद अ लक कवर व्हिच इज कस्टमाइज्ड फॉर दिस वॉच। एंटायर जो स्ट्रैप है ये बहुत ही ब्यूटीफुली फिनिश्ड ब्रशिंग के साथ आता है और वर्टिकल ब्रशिंग है। इस क्वालिटी का ब्रशिंग आपको बहुत ही कम वॉचेस में देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ टिपिकल ऑयस्टर स्टाइल 3-link ब्रेसलेट, पर ये फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट है, दिस इज नॉट अ सॉलिड लिंक ब्रेसलेट। एल्बा का मोस्टली वॉचेस में आपको फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट ही देखने को मिलेगा। सेम डिजाइन लैंग्वेज कंटिन्यू होता है इवन टू द क्लास्प। क्लास्प का मैं प्लास्टिक नहीं हटाया, क्लास्प इज अ डिप्लॉयमेंट क्लास्प, इस पे 2 पुशर है, इसको क्लिक करने से ओपन होता है एंड देन उसके बाद आप इसको बड़े आसानी से क्लोज कर सकते हो। दिस इज अ साइंड क्लास्प। ओवरऑल ब्रेसलेट का क्वालिटी इज वेरी अमेजिंग, लक जो है बड़े अच्छे से फिटेड है, कस्टमाइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट का फ्लेक्सिबिलिटी रीजनेबल है, थोड़ा बहुत रैटलिंग साउंड है जितना होना चाहिए फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट में, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी हेवी क्वालिटी वाला ब्रेसलेट। वारंटी कार्ड में जो वॉच सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है, आपको केस बैक में भी वही सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। केस बैक में इवन कैलिबर नंबर भी क्लियरली मेंशन किया गया है। इस वॉच का वाटर रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड और ओवरऑल स्टेनलेस स्टील का कंस्ट्रक्शन है ये मेंशन किया गया है। केस बैक जो है ये स्क्रू डाउन टाइप है और एल्बा का बड़ा सा लोगो देखने को मिल रहा है। इसका प्लास्टिक प्रोटेक्टिव कवर मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं, चेक करेंगे इस वॉच का लुमिनोसिटी कैसा है। मैं लाइट बंद करता हूं, अब देख सकते हो सेको का लुमिनोसिटी, सेको सुपर लुमिनोवा यूज हुआ है, लुमिनोसिटी का ग्लो अमेजिंग है, आप देख ही सकते हो। और इसका ड्यूरेशन को लेके शक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूजुअली सेको सुपर लुमिनोवा लुमिनेसेंस जो है ये 15-20 मिनट्स बड़े आसानी से लास्ट कर जाते हैं। अनदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज लाइट ट्रांजिशन, ये कैसे हैंडल करते हैं। आप देख सकते हो मैं लाइट की इंटेंसिटी कम करके लाइट सोर्स को धीरे धीरे दूर ले जा रहा हूं और फिर से पास ले आ रहा हूं। आप देख सकते हो बड़े आसानी से लो लाइट कंडीशन में या फिर लेस लाइट कंडीशन में आप टाइम देख सकते हो। इस वॉच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो आई कैन अश्योर इन टर्म्स ऑफ लुमिनोसिटी सेको विल नेवर डिसअपॉइंट यू। टाइम फॉर द रिस्ट शॉट, आप देख सकते हो एल्बा मेगा क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ वॉच मेरा 7.5 inches रिस्ट पे किस प्रकार बैठता है, मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्टली फिट हो रहा है। दिस इज अ 44 mm डायल साइज वाले वॉच, तो जो लोग थोड़ा बड़ा साइज का डायल पसंद करते हैं आपके लिए यह बड़ा परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। मैं रिस्ट रोल करके इसका ब्रेसलेट का भी प्रेजेंट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये वॉच पास ऑन करने वाला हूं तो मैंने इसको रिसाइज नहीं कराया। दिस ब्रेसलेट फिट्स परफेक्टली वेल एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। दिस हैज गॉट नो हेयर पुलिंग इशू, नो शार्प एजेस, तो आई एम ओवरऑल वेरी वेरी सैटिस्फाइड अबाउट द रिस्ट प्रेजेंस ऑफ दिस वॉच। दिस लुक्स वेरी प्रीमियम एंड एनीवन कैन गेस कि आप एक महंगा वाला क्रोनोग्राफ वॉच पहने हो। एल्बा का ये मेगा क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ वॉच इज अ ग्रेट रिलीज एंड ये जो 10,500 रुपए का प्राइस रखा गया दैट इज फुल्ली जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट। इसका ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, फीचर है, दैट डेफिनेटली जस्टिफाइज द प्राइस। तो अगर आपको खरीदना है तो आप एल्बा का ऑफिशियल स्टोर से खरीद सकते हो या फिर एल्बा का कोई भी ऑथोराइज्ड रिटेलर जो एल्बा का वेबसाइट में डिक्लेयर है
आप आपके सिटी के हिसाब से वही ऑथोराइज्ड रिटेलर से लीजिए ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक पॉइंट है, क्योंकि ये 44 मिलीमीटर डायल साइज वाले वॉच है, तो अगर आपके रिस्ट साइज 6 इंचेस एंड बिलो है तो ये वॉच आपके रिस्ट में उतना अच्छा नहीं दिखने वाला है। पर अगर ओवरसाइज डायल या फिर लार्ज डायल वाले वॉच पसंद करते हो आप, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस अल्बा मेगा क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आपको ये मेगा क्वार्ट्ज मूवमेंट वाला क्रोनोग्राफ वॉच कैसा लगा, और आज का रिव्यू में मैंने जो ओपिनियन दिया, क्या ये आपको पसंद आया? आप मुझे ट्रांसपेरेंटली कमेंट के थ्रू बता सकते हो, या फिर कुछ भी एडिशनल क्वेश्चन है, इंतजार किस बात का है दोस्तों, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरे साथ साथ और भी काफी सारे वॉच एंथुजियास्ट्स हैं जो आपका कुछ भी वॉच रिलेटेड क्वेरी का आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, वी विल मीट अगेन ऑन यूट्यूब चैनल, अदरवाइज वी कैन स्टे इन रेगुलर कॉन्टैक्ट थ्रू द फेसबुक ग्रुप।